अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिश्मा खान रेसिपीज़ एंड ब्लॉग्स। और आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम लोग भी सब खैरियत से हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज बनाने वाली हूँ फ्राइड चिकन मसाला, जो कि बहुत ही ईजी सिंपल तरीके से बनाना बताऊँगी और रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे इस रेसिपी को आज हम। जिसके लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ 1 किलो चिकन ले लिया है, जिसमें मैंने 3 बड़े चम्मच भरकर डाल दिया कॉर्नफ्लावर, 1.5 टीस्पून नमक डाल देंगे, 1 टीस्पून भरकर लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अगर आपको लाल मिर्च नहीं है तो इसकी जगह आपको पसंद नहीं है तो कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून डाल दिया मैंने जीरा पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ डाल देंगे हम धनिया पाउडर पिसा हुआ, और मैंने 2 चुटकी यहाँ पर कलर डाला है, ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ। ये कलर के लिए ही ऑप्शनल है, अगर आपको डालना हो तो डालिए, उन्हें स्किप कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ डाला लहसुन का पेस्ट, और 1 टेबल स्पून भरकर डाल रही हूँ यहाँ पर अदरक का पेस्ट, और फ्रेंड्स यहाँ 1 टेबल स्पून ही भरकर मैं डाल रही हूँ दही। तो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर डाल दिया, अच्छे से आपको फ्रेंड्स मिक्स कर लेना है, और अच्छे से इसको मिक्स करिए ताकि सारे मसाले आपस में मिलजुल जाएँ। और चिकन भी अच्छे से, ये देखिए मिल गया है मसाले में, और देखिए अच्छे से कोटिंग हो गई, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए। अब फ्रेंड्स इसको मैं 2 घंटे के लिए रख दूंगी रेस्ट पर फ्रिज में। 2 hours later तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसको मैरिनेशन के लिए रखा था फ्रिज में 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद मैं इसको निकाल रही हूँ हाई फ्लेम पर। मैंने यहाँ पर लगभग आधा किलो यानी कि 500 ग्राम तेल को जो है तेज़ गरम कर लिया, एकदम हाई फ्लेम पर गरम तेल में इसको आपको फ्राई करना है। तो यहाँ पर 2 बैच में मैंने सारा जो चिकन है फ्राई कर लिया फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा लाजवाब और टेस्टी बना था ना कि आपसे क्या बताएँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से भी आप इसको स्टार्टर के तौर पर खा सकते हैं किसी भी चटनी के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लग रहा था, ऐसे भी फ्राई करके खा सकते हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग। और माशाल्लाह देखिए कलर कितना बेहतरीन आया है, कितना बढ़िया टेस्टी लग रहा है देखने में ही। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा सारा चिकन फ्राई हो गया, तो मैंने ऑयल जो है वो आधा कर लिया, लगभग 2 बड़े चम्मच इसमें मैंने ऑयल रहने दिया है, 2 हरी इलायची, 4 मैंने यहाँ पर लौंग, और 4 मैंने यहाँ पर काली मिर्च जो है डाल दी है तेल में। और तेल की क्वांटिटी फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़ी साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक एकदम हाथ से ही काटा है, इसको डाल देंगे। जैसे ये कलर चेंज होने लगेगा, प्याज का सॉफ्ट हो जाएगी, तभी हम यहाँ 1 बड़ा चम्मच भरकर लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच भरकर अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। 1 टी स्पून यहाँ डाल रही हूँ मैं पिसा हुआ काली मिर्च का पाउडर, और 1 टी स्पून डाल रही हूँ यहाँ पर नमक, तो यानी कि 1.5 टी स्पून डाल रही हूँ, थोड़ा कम लग रहा था। 1 टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टी स्पून भरकर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चिकन मसाला, ये ज़रूर डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून भरकर मैंने यहाँ पर डाल दिया है पिसा हुआ धनिया पाउडर, और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने एकदम बारीक जो है मिक्सी में पीस लिया है, मिक्सर में पीस कर अच्छे से रख लिया था फ्रेंड्स। और जितना हो सके टमाटर को एकदम फाइन आप इसको पीसिए, और इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से भून लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं सरफेस पर ऑयल आ जाएगा, मसाला हमारा जो है अच्छे से भून जाएगा, तेल छोड़ने लगेगा, तब हम इसमें 2 बड़े चम्मच भरकर डाल देंगे दही। दही डालने के बाद आपको फ्लेम जो है एकदम रखना है स्लो पर, अच्छे से इसको मिक्स करिए। फेंट कर डाल सकते हैं, मैंने डायरेक्ट डाल दिया। और दही का मैंने जो फ्रेंड्स पानी था उसको मैंने निकाल लिया छलनी में, मैंने इसको दही को रख दिया था 1 घंटे पहले, तो इसका सारा पानी जो है वो सूख गया है। इस तरह से डालिएगा तो जल्दी मसाला भुन जाता है, वरना पानी बहुत छोड़ता है दही, और मसाला भुनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मसाला मेरा बहुत अच्छे से भुन गया था, इसमें हमने अपना जो भी फ्राई करा हुआ चिकन है इसमें डाल दिया है, अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर यहाँ पर पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर 1 कप पानी डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स 1 कप पानी डालने के बाद मैंने इसको ढककर और पका लिया है, लगभग मैंने इसको 5 मिनट पकाया, 3 मिनट मैंने इसको हाई फ्लेम पर पकाया, फिर 2 मिनट मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि हमारा फ्राई करने के बाद चिकन जो अच्छे से पक चुका था ऑलरेडी, तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो चिकन मेरा जो है तैयार हो गया माशाल्लाह, बहुत ही बढ़िया लाजवाब, अब बहुत ही झटपट से बनकर हमारा चिकन जो है रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में भी, उतना ही खाने में बहुत लाजवाब बना था। ऊपर से मैं यहाँ डाल दूँगी कटा हुआ हरा धनिया, और मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर कसूरी मेथी को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, और उसके बाद हाथों से क्रश कर मैंने इसको रख लिया है। और 1 टी स्पून डाल रही हूँ यहाँ पर होममेड मेरा गर्म मसाला, जिससे कि फ़्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ कर आता है, उभर कर आता है खाने में। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा शानदार और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा फ्राइड चिकन मसाला बनकर रेडी हो गया, बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहा है फ्रेंड्स। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने पे एक बार ज़रूर बनाइएगा, एकदम गरम गरम रोटी से आप इसको खाएंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। ऊपर से गार्निश करूँगी थोड़ा सा व्हाइट वाले तेल से,
तो फ्रेंड्स ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें वरना इसको स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया से गार्निश करूँगी इसको। अब बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लग रहा है फ्रेंड्स, इतना यम्मी लग रहा था ना कि क्या ही बताऊँ। तो कुछ अलग कुछ नया अगर आप सोच रहे हैं चिकन की रेसिपी तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। चिकन भी बहुत अच्छे से जो है गल गया था, सॉफ्ट हो गया था, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहे थे। नींबू डालकर खाइए, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं स्टार्टर के तौर पर प्याज और नींबू से। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। रेसिपी आज की हमारी आपको अगर पसंद आई हो तो फ्रेंड्स नीचे लाइक का बटन है इसको ज़रूर प्रेस कर दिएगा, ताकि हम लोग को पता चल सके थे आप लोग हमारी रेसिपीज़ को कितना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम फेसबुक पर मेरी जो रेसिपीज़ हैं उनको आप स्टोरीज़ पर लगा सकते हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए आप लोग का सपोर्ट होगा तभी मैं इंशाल्लाह आगे यूट्यूब में अपनी फैमिली को बढ़ा सकूँगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए ताकि आने वाली वीडियोस की सारी अपडेट्स आपको मिल सकें। और फ्रेंड्स इसी तरह से जुड़े रहिए और मैं आपको अच्छी से अच्छी रेसिपीज आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग भी बनाइए, इन्जॉय कीजिए, स्वस्थ रहिए और अच्छा खाइए, अच्छा खिलाइए। फिर मिलती हूँ अच्छी सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में हमेशा याद रखें।